है द अल्टीमेट कुकिंग में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर पे कुछ भी ऐसा सामान नहीं होता कि जिससे हम कोई मिठाई बना सकें, तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान, टेस्टी और घर की चीज़ों से ही बने हुए ये सूजी के गुलाब जामुन की रेसिपी। इसमें ना तो हमने कोई खोया डाला है, ना मिल्क पाउडर, ना कुछ और। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। सूजी के गुलाब जामुन बनाने के लिए दोस्तों मैं ले रही हूँ ये एक कटोरी सूजी। आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लें। और देखिए मैंने ली है बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो आप उसे थोड़ा सा मिक्सर में चला लें। अब इसके लिए बना रहे हैं डो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने गैस पर एक पैन को चढ़ा लिया है। अब इसमें मैं सबसे पहले डाल दूंगी एक बड़ा चम्मच घी, और जैसे ही घी गर्म होता है मैं इसमें डाल दूंगी दो कटोरी दूध। सिंपल रेशियो है इसका कि जितनी आपने सूजी ली है उसका डबल आप इसमें दूध डालें। तो मैंने दो कटोरी फुल फैट दूध ले लिया है। और अब आप दूध में पहले उबाल आ जाने दें। देखिए दूध उबलने लगा है। अब आप क्या करें, सूजी को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालें और कंटिन्यू चलाते जाएं। लेकिन चलाएं ज़रूर, नहीं तो इसमें लम्स आ सकते हैं। थोड़ी थोड़ी करके सूजी डालें, एक बार में आप सारी सूजी को ना डालें। इस तरीके से डालते जाएं और इसे घुमाते जाएं। देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं आ रहे हैं इसमें। और अब इसे जब तक पकाएं, जब तक कि ये डो की फॉर्म में ना आ जाए और हमारा मिक्स पैन को छोड़ने ना लगे। देखिए कितना स्मूथ हमारा मिक्स बनकर तैयार हो रहा है। देखिए ये बहुत जल्दी ही सख्त होकर तैयार हो जाता है। देखिए हमारा मिक्स एकदम ड्राई हो गया है, पैन को भी इसने छोड़ दिया है। बस इस स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे किसी प्लेट में आप निकाल लें और पहले इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें। देखिए इस तरीके से पहले इसे ठंडा होने दें जब तक ये छूने लायक ना हो जाए। थोड़ा सा इस तरीके से आप फैला लें जिससे जल्दी ठंडा हो जाए। अब जितनी देर में वो हमारा मिक्स ठंडा होता है हम चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ एक कप चीनी, वजन में करीब 250 ग्राम होगी, और इसमें एक कप से थोड़ा सा कम मैं पानी डालूंगी। देखिए एक कप से थोड़ा कम पानी मैंने इसमें डाला है क्योंकि हमें ज़्यादा पतली चाशनी इसके लिए नहीं बनानी है। और अब हम इसे पकने के लिए रख देते हैं। देखिए हमने चाशनी को उबलने के लिए रख दिया है। पहले आप इसे चीनी घुलने तक पकाएं। और इस समय ही अगर आपके पास अवेलेबल हो कुछ धागे केसर की डाल दें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर हमारी इस चाशनी में आ जाएगा और एक बहुत ही प्यारा कलर भी आ जाएगा। देखिए हमारी चाशनी उबलने लगी है। अब आप गैस का फ्लेम लो कर दें और इस चाशनी को बस 3-4 मिनट उबाल लें। हमें इसमें कोई तार नहीं बनाना है, बस एक चिपचिपी सी चाशनी हमारी बनकर तैयार हो जाए। देखिए दोस्तों करीब 3-4 मिनट हो गए हैं हमारी चाशनी को पकते हुए, और हम थोड़ा सा चेक करते हैं। ये एकदम थोड़ी बस चिपचिपी सी बनकर तैयार है। बस इस स्टेज पर आप गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे ढककर साइड में रख दें। देखिए दोस्तों हमारा मिक्स छूने लायक हो गया है। अब आप इस मिक्स को अच्छे से मसल मसल कर एकदम आटे की तरह कर लें, जिससे हमारे गुलाब जामुन जब हम बनाएं तो उसमें कोई भी क्रैक्स ना आए। मुझे छोटी प्लेट में इसे मसलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसको बड़ी प्लेट में कर लिया। और अब आप इसे इस तरह से मसलते हुए एकदम चिकना डो इसका तैयार कर लें। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका मिक्स थोड़ा सा सूखा हो रहा है, आप बिल्कुल थोड़ा सा घी इसमें डाल दें जिससे कि इसमें अच्छी स्मूथनेस आ जाएगी। सूजी को अच्छे से मसल लिया है। अब इसमें आप डाल दें बिल्कुल 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर की, और इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। इसको डालने से हमारे जो ये गुलाब जामुन है बहुत अच्छे से फूलेंगे। देखिए मैंने इसे काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये मैं ले रही हूँ दोस्तों कुछ कटे हुए बादाम और किशमिश। इसे मैं अंदर फिलिंग के लिए डालूंगी। ये टोटली ऑप्शनल है, आप पसंद करते हैं तो डालिए, अदरवाइज आप इसके बिना भी इन गुलाब जामुन को बना सकते हैं। अब आप हाथों को चिकना करके थोड़ा सा पोर्शन इसमें लें हाथों में, और पहले इसे हल्का सा इस तरीके से फैलाएं। इसमें जितना आप ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं उतना ड्राई फ्रूट बीच में फिलिंग के लिए डाल दें और इस तरीके से इसे कवर कर दें। और फिर आप जैसी भी शेप आप पसंद करते हैं, गोल या सिलेंड्रिकल, बार में सिलेंड्रिकल गुलाब जामुन बना रही हूँ क्योंकि मेरी जो भी वीडियो हैं वो सब राउंड शेप में हैं, तो इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज किया जाए। लेकिन आपको जो भी शेप पसंद हो आप उसमें इन गुलाब जामुन को बना लें। देखिए इस तरीके से आप अपने सभी गुलाब जामुन को बना लें।
बस आप ध्यान रखें एक चीज का कि एक भी क्रैक्स इनके ऊपर ना पाए। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगे कि आपका डो बहुत सूखा हो रहा है और उससे आप जब गुलाब जामुन बना रहे हैं तो उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा एक दो स्पून गुनगुना सा दूध मिक्स करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप अपने सभी गुलाब जामुन को बना लेते हैं। हमने गुलाब जामुन को बना लिया है, चलिए अब करते हैं फ्राई इन्हें। मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, अब एक छोटा सा पीस डालकर हम इसमें चेक कर लेते हैं। देखिए ये एकदम से रेडी है, बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल हमें इसके लिए नहीं चाहिए। अब आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और अब इसमें एक एक करके आप गुलाब जामुन को डाल दें इस तरीके से। शुरू में 3-4 मिनट आप इन्हें बिल्कुल भी टच ना करें, थोड़ा सा सेटल होने दें, फिर आप इसमें चम्मच से चलाएं। देखिए 3-4 मिनट के करीब हो गए हैं, थोड़े थोड़े सेटल भी हो गए हैं गुलाब जामुन। अब आप इन्हें हल्का हल्का सा देखिए इस तरीके से टर्न करें और एकदम लो फ्लेम पर अच्छे से गुलाबी होने तक सेकने दें। आप देख सकते हैं कि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है तो ये साइज में थोड़े से बड़े हो गए हैं फूल के, और जब ये चाशनी में जाएंगे तो बहुत अच्छे से चाशनी इसमें फिल होगी अंदर। बीच बीच में आप इन्हें थोड़ा सा लटके पर लगते रहें जिससे ये चारों तरफ से इवनली सिक कर तैयार हों। बीच बीच में अगर आपको ऐसा लगे कि गैस का फ्लेम ज़्यादा कम हो गया है, तेल थोड़ा हमारा ठंडा हो रहा है, तो बीच बीच में आप कुछ सेकंड्स के लिए गैस को हाई कर लें जिससे इसकी फ्लेम एडजस्ट रहे। और जब तक हमारे गुलाब जामुन फ्राई हो रहे हैं, बाकी के बचे गुलाब जामुन को आप हमेशा एक कपड़े से ढक कर रखें जिससे उनके ऊपर की सरफेस सूखे ना। देखिए करीब 7-8 मिनट हो गए हैं हमें गुलाब जामुन को सेकते हुए, आप देख सकते हैं कितना प्यारा गोल्डन कलर इनका आ गया है और ये सिक कर रेडी है। बस अब आप इन्हें निकाल लें और डायरेक्टली चाशनी में डाल दें, और चाशनी को आप अधिकतर गर्म ही रहने दें। गरम चाशनी में डालने से ही ज़्यादा अच्छे से गुलाब जामुन फूलेंगे। अब आप इन्हें चाशनी में डूबा रहने दें करीब 1 घंटे के लिए, और बाकी के बचे गुलाब जामुन को भी फ्राई कर लें। देखिए दोस्तों हमने अपने गुलाब जामुन को सर्व कर लिया है, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे गुलाब जामुन हमारे बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको एक गुलाब जामुन का टेक्सचर दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी देखिए कितने जालीदार और एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी गुलाब जामुन बनाने की ये रेसिपी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस होली आप भी बनाइए सूजी के गुलाब जामुन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।